तो मैं एकदम जल्दी बनने वाला हेल्दी जवार का मिनी पिज्जा बना रही हूँ। बहुत इजी है, इट्स एक्चुअली जस्ट जवार की रोटी और उसके ऊपर आप टॉपिंग्स के साथ खेलते हो और फिर उसे फाइनल रोस्ट करते हो, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत फटाफट से 5-5 मिनट में बनने वाली चीजें हैं, तो मैंने चॉपिंग कर ली है। अब जवार का आटा गूंदना तो आप सबको आता होगा, बहुत आसान है, नहीं आता है तो मैं फटक से एक झलक दिखाती हूँ। आ जाए तो यहाँ मैंने चॉप कर लिया है, ये है अनियन, थोड़ा सा टमेटो, क्योंकि हम जो पिज्जा सॉस डालेंगे उसमें वैसे भी टमेटो होगा ही, और ये थोड़ा सा कैप्सिकम। पिज्जा सॉस में कई बार कैप्सिकम भी होता है, पर जब आप रॉ कैप्सिकम डालते हो और उसे चबाते हो तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। और ये मैंने लिया है पिसा हुआ जवार का आटा। तो मुझे ना रेडीमेड जो जवार के आटे आते हैं उसमें थोड़ा कम ट्रस्ट होता है, इसलिए मैं जवार अलग से लेके उसे पिसवाती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी बनती है। और अब मैं इसे एकदम नॉर्मल जवार के आटे में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसे गूंद रही हूँ। आप चाहे तो इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालने वाली, एंड ट्रस्ट मी इट्स जस्ट नॉट नीडेड। सो बस हम फटाफट इसको ऐसे ही गूंद देते हैं। और तो पिज़्ज़ा है? हाँ, जवार के आटे। वाह, तो चीज़ भी डालोगी? थोड़ी सी। अब ये नीचे मैंने बिछा लिया है बटर पेपर, और इसे मैं थोड़ा सा स्प्रेड करने वाली हूँ जवार को, जिसे मैं इस पे आसानी से कुक कर पाऊं, क्योंकि मैं बेक नहीं करने वाली। अगर आप इसे बेक कर रहे हैं तो आप इसे थोड़ा थिक रख सकते हैं, और फिर बेकिंग पाउडर डालना मत भूलिएगा, तभी जो है वो अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएगा। तो बेसिकली अब एवरीबडी वॉन्ट्स टू शिफ्ट टू अ हेल्दी डाइट, लेकिन क्या है ना, हर किसी को वो चटपटा खाने की जो क्रेविंग है वो कभी जाती नहीं है। तो इसीलिए मैं ऐसी ऐसी चीजें बनाती रहती हूँ जो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और देखा जाए तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे, अरे ये क्या, रोटी बना के ऊपर टॉपिंग डाल दी, लेकिन जब आप एक साथ खाओगे ना तो वो पिज्जा वाला हल्का सा फील आ ही जाता है। अगर आप ये क्लोजली देखें तो ये ऐसे ही लो हीट पे मैंने रखा है, ये पकता जा रहा है, तो इसीलिए हम इसे कवर भी कर देंगे ताकि जो जवार का आटा है वो पक जाए, बिकॉज रोटी इज थिक, तो हम नहीं चाहते कि वो अंदर तक कच्ची रहे, तो ये थोड़ी देर ऐसे पकेंगे फिर पलट देंगे। करीब मैंने इसे 5 मिनट ढक के रखा था, उसके बाद इस तरह से देखिए मैं इसको, जैसे हम रोटी को थलते नहीं, हम थलना बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हो, उससे आप किसी कपड़े से या किसी से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ करूँगी। उसके बाद इसे इस तरह से गैस पे हल्का सा सेकना है, बहुत ज़्यादा कड़क मत कीजिएगा, क्योंकि फिर टॉपिंग्स लगाने के बाद हम इसे दोबारा करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिंग के लिए मैं इस पर लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं, जो बाहर रेडीमेड मिल रही है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एकदम स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिया और मेरी घर वाली जो सॉस है वो ख़त्म हो गई थी। तो मैं सबसे पहले इस पर डाल रही हूँ अनियंस, खूब सारे, जितनी आपको टॉपिंग, आप टॉपिंग अपने हिसाब से यू कैन प्ले अराउंड, आपको जो टॉपिंग डालनी है आप वो डालो, पनीर, चिकन, पूरा टोटल वेज। अब जैसे मैंने डाला है कैप्सिकम, इसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा टमेटो, और फिर उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी चीज़, बहुत ही थोड़ी। सो मैंने बेसिकली जो एक छोटा क्यूब आता है वो मैंने 4 से 5 पिज्ज़ा में डिवाइड किया, ताकि चीज़ की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो। लास्ट में थोड़ा सा सॉल्ट पेपर, और फिर मैं इसे वापस तवे पे रख दूँगी और इसे अच्छे से क्रिस्प होने दूँगी। तो ये तीनों पिज्जाज मैंने रख दिए हैं, अब इसे हम मुश्किल से 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। थोड़ा मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा, पास में ही रहेगा ताकि जले ना। और बेसिकली द होल पॉइंट इज की जो स्टीम क्रिएट होगी उससे जो ऊपर की वेजिटेबल्स और जो चीज़ है वो हल्के से मेल्ट हो जाए, और वेजिटेबल्स थोड़ी हल्की सी स्टीम हो जाए, तो और मजा आएगा। एंड दैट्स इट, पिज्जा डन। यस, सो ये हो गया हमारी यम्मी पिज्जा रेडी। अच्छा लग रहा ना? हाँ, देखिए अभी हम खा के देखेंगे कि कैसे लगते हैं। और ये यहाँ पे सबकी चाय छानते हुए, और मैं ये सर्व करती हूँ, और फिर हम अंदर लेके चलते हैं। और जस्ट सर्व करने से पहले मैं इसे इस तरह से कुकिंग सीजर्स से कट कर रही हूँ 2 हिस्सों में, क्योंकि फिर खाना जो है वो इजी हो जाएगा।